ఉత్పత్తి అధ్యాయ 26 ఉత్పత్తి అధ్యాయ 26 ఔర్ ఉస్ దేశ్ మే అకాల్ పడా వహ ఉస్ పహలే అకాల్ సే అలగ్ థా జో ఇబ్రాహీమ్ కే దినో మే పడా థా సో ఇస్హాక్ గెరార్ కో పలిష్టియోం కే రాజా అబీమ్లెక్ కే పాస్ గయా వహ యహోవా నే ఉస్కో దర్శన్ లేకర్ కహా మిస్ర్ మే మత్ జా జో దేశ్ మే తుఝే బతాఊంగా ఉసీ మే రహ तू इसी देश में रह और मैं तेरे संग रहूंगा और तुझे आशीष दूंगा और ये सब देश मैं तुझको और तेरे वंश को दूंगा और जो शपथ मैंने तेरे पिता इब्राहिम से खाई थी उसे मैं पूरी करूंगा और मैं तेरे वंश को आकाश के तारागण के समान करूंगा और मैं तेरे वंश को ये सब देश दूंगा और पृथ्वी की सारी जातियां तेरे वंश के कारण अपने को धन्य मानेगी क्योंकि इब्राहिम ने मेरी मानी और जो मैंने उसे सौंपा था उसको और मेरी आज्ञाओं विधियों और व्यवस्था का पालन किया सो इसहाक गरार में रह गया जब उस स्थान के लोगों ने उसकी पत्नी के विषय में पूछा तब उसने यह सोचकर कि यदि मैं उसको अपनी पत्नी कहूं तो यहाँ के लोग रिबका के कारण जो परम सुंदरी है मुझको मार डालेंगे उत्तर दिया वह तो मेरी बहन है जब उसको वहां रहते बहुत दिन बीत गए तब एक दिन पलिश्तियों के राजा अबीमलेक ने खिड़की में से झांक के क्या देखा कि इसहाक अपनी पत्नी रिबका के साथ क्रीड़ा कर रहा है तब अबीमलेक ने इसहाक को बुलवाकर कहा वह तो निश्चय तेरी पत्नी है फिर तूने क्यों कर उसको अपनी बहन कहा इसहाक ने उत्तर दिया मैंने सोचा था कि ऐसा न हो कि उसके कारण मेरी मृत्यु हो अबीमलेक ने कहा तूने हमसे यह क्या किया ऐसे तो प्रजा में से कोई तेरी पत्नी के साथ सहज से कुकर्म कर सकता और तू हमको पाप में फंसाता और अबीमलेक ने अपनी सारी प्रजा को आज्ञा दी कि जो कोई उस पुरुष को व उस स्त्री को छुएगा वो निश्चय मार डाला जाएगा फिर इसहाक ने उस देश में जोता बोया और उसी वर्ष में 100 गुना फल पाया और यहोवा ने उसको आशीष दी और वह बड़ा और उसकी उन्नति होती चली गई यहां तक कि वह अति महान पुरुष हो गया जब उसके भेड़ बकरी गाय बैल और बहुत से दास दासियां हुई तब पलिश्ती उससे दाह करने लगे सो जितने कुएं को उसके पिता इब्राहिम के दासों ने इब्राहिम के जीते जी खोदा था उनको पलिश्तियों ने मिट्टी से भर दिया तब अबीमलेक ने इसहाक से कहा हमारे पास से चला जा क्योंकि तू हमसे बहुत सामर्थी हो गया है सो इसहाक वहां से चला गया और गरार के नाले में अपना तंबू खड़ा करके वहां रहने लगा तब जो कुएं उसके पिता इब्राहिम के दिनों में खोदे गए थे और इब्राहिम के मरने के पीछे पलिश्तियों ने भर दिए थे उनको इसहाक ने फिर से खुदवाया और उनके वे ही नाम रखे जो उसके पिता ने रखे थे फिर इसहाक के दासों को नाले में खोदते खोदते बहते जल का एक सोता मिला तब गरारी चरवाहों ने इसहाक के चरवाहों से झगड़ा किया और कहा कि यह जल हमारा है सो उसने उस कुएं का नाम एसेक रखा इसलिए कि वे उससे झगड़े थे फिर उन्होंने दूसरा कुआं खोदा और उन्होंने उसके लिए भी झगड़ा किया सो उसने उसका नाम सित्रा रखा तब उसने वहां से कूच करके एक और कुआ खुदवाया और उसके लिए उन्होंने झगड़ा न किया सो उसने उसका नाम यह कहकर रहोबोत रखा कि अब तो यहोवा ने हमारे लिए बहुत स्थान दिया है और हम इस देश में फूले फलेंगे वहां से वह बेरशेबा को गया और उसी दिन यहोवा ने रात को उसे दर्शन देकर कहा मैं तेरे पिता इब्राहिम का परमेश्वर हूं मत डर क्योंकि मैं तेरे साथ हूं और अपने दास इब्राहिम के कारण तुझे आशीष दूंगा और तेरा वंश बढ़ाऊंगा तब उसने वहां एक वेदी बनाई
और यहोवा से प्रार्थना की और अपना तंबू वही खड़ा किया और वहां इसहाक के दासों ने एक कुआ खोदा। तब अबीमलेक अपने मित्र अहुज्जत और अपने सेनापति पिकोल को संग लेकर गरार से उसके पास गया। इसहाक ने उनसे कहा, तुमने मुझसे बैर करके अपने बीच से निकाल दिया था, सो अब मेरे पास क्यों आए हो? उन्होंने कहा, हमने तो प्रत्यक्ष देखा है कि यहोवा तेरे साथ रहता है, सो हमने सोचा कि तू तो यहोवा की ओर से धन्य है, सो हमारे और तेरे बीच में शपथ खाई जाए और हम तुझसे इस विषय की वाचा बंधाए कि जैसे हमने तुझे नहीं छुआ बरन तेरे साथ नीरी भलाई की है और तुझको कुशल क्षेम से विदा किया, उसके अनुसार तू भी हमसे कोई बुराई न करेगा। तब उसने उनकी जीवनार की और उन्होंने खाया पिया। बिहान को उन सबों ने तड़के उठकर आपस में शपथ खाई। तब इसहाक ने उनको विदा किया और वे कुशल क्षेम से उसके पास से चले गए। उसी दिन इसहाक के दासों ने आकर अपने उस खोदे हुए कुएं का वृत्तांत सुना के कहा कि हमको जल का एक सोता मिला है। तब उसने उसका नाम शिबा रखा। इसी कारण उस नगर का नाम आज लो बेरशेबा है। जब एसाव 40 वर्ष का हुआ तब उसने हित्ती बेरी की बेटी यहूदीत और हित्ती एलोन की बेटी बाशमत को ब्याह लिया और इन स्त्रियों के कारण इसहाक और रिबका के मन को खेद हुआ।